भोपाल में आज संविधान बचाओ कल्याण समिति मध्य प्रदेश में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत के खिलाफ अजाक थाने पहुंचकर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम करने की मांग की। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मेवालाल कनर्जी ने कहा कि कंगना रनावत शायद भूल गई है कि आज आप जो फिल्मों में काम कर रही हैं वो भारतीय संविधान की देन है। आगे संगठन के अध्यक्ष मेवालाली ने कहा कि कंगना रनावत के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा कायम किया जाए, नहीं तो इनकी मध्य प्रदेश में कहीं पर भी फिल्में रिलीज नहीं होने देंगे। ज्ञापन देते समय संगठन के भोपाल जिला अध्यक्ष विलास बल्ले, प्रदेश महासचिव सुधाकर राव, प्रदेश सचिव महिम भाई, प्रदेश सचिव फहीम भाई, भोपाल जिला उपाध्यक्ष रमाकांत करे, भोपाल जिला उपाध्यक्ष सूरज भाई और भी कई कार्यकर्ता थे। सभी ने कंगना रनावत मुर्दाबाद ऊपर राजद्रोह का मुकदमा कायम करो के नारे लगाए। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। क्या कारण रहा है संविधान बचाओ कल्याण समिति आज अजाक थाने पहुंची? देखिए, जिस प्रकार से कंगना रनावत जी ने संविधान के प्रति अमर्यादित बयान दिया है, आरक्षण को लेकर अमर्यादित बयान दिया है, मैडम आप शायद ये भूल गई हैं कि आज वही भारतीय संविधान है जिसकी वजह से आज आप फिल्मों में काम कर रही हैं। नहीं तो भारतीय संविधान से पहले मनुस्मृति संविधान हुआ करता था जिसमें महिलाओं को घर से निकलने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन मैडम आज आप नशे में इतनी चूर हो चुकी कि आज आप भारतीय संविधान को अमर्यादित बयान दे रही हैं, आज आप आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। कंगना रनावत जी, हमारी चेतावनी है आपको, आप माफ़ी मांगिए। अन्यथा संविधान बचाओ कल्याण समिति मध्य प्रदेश के अंदर कहीं पर भी आपकी कोई भी फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे, इनको भोपाल में भी कोई भी फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। संविधान बचाओ कल्याण समिति ये मांग करती है कंगना रनावत जी के ऊपर हरिजन एक्ट के तहत राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए, और अगर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम नहीं हुआ तो संविधान बचाओ कल्याण समिति सड़कों पर उतरकर कंगना रनावत जी का विरोध करेगी, काले झंडे दिखाएगी। मध्य प्रदेश में कोने कोने पे कंगना रनावत जी का विरोध होगा। संविधान बचाओ कल्याण समिति की बैनर तले भारतीय संविधान जिंदाबाद। जय भीम, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।